आंटी बोली पौने घंटे में पहुंचोगे, लेकिन आपका भाई है ना हनुमान गेट लगाएगा, 20 मिनट पहुंचा देगा, टेंशन नहीं लो। ऋषा पर नो डाउट तो आज अच्छी लग रही है। ये देखो बड़े कपड़े होने का ये फायदा होता है। ऋषा सीधी तरह बैठ, ये पूरे कपड़े उड़ के सो गई है, सही तरह बैठ। हाथ में संदीप भाई की बर्थडे और यहाँ पर हम रात में करने वाले फायरवर्क्स। तो ये अस्सलाम वालेकुम, तो क्या हाल चाल है? अस्सलाम वालेकुम। अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमेशा बोल रहा हूँ, अब जल्दी जल्दी करो यार, बोलना जल्दी करो, हमारी बहुत मेहनत लगी आज, हम तैयार होने में बहुत टाइम लगा, जल्दी जल्दी व्लॉग है, अब ये सब्सक्राइब करो, सही ना। तो फाइनली हम लोग तैयार हो चुके हैं। क्यों तैयार हुए? दोपहर दोपहर में, और अभी इस टाइम पे कितने बजे थे? इस टाइम पे बजे 1:15, सही है। तो हम तैयार इसलिए हुए क्योंकि आज हमको 3 बर्थडे की दावत है भाई, सारे बच्चे आज ही पैदा हुए एक साथ। कैसे यार, तो हमें 3 बर्थडे में जाना है आज, तो एक दोपहर में, एक शाम में और एक रात में, रात मतलब 12 बजे। तो वहाँ पर तो भाई आपके भाई ने शुगर मेला लगाया, फायरवर्क्स वगैरह सब है भाई, आतिशबाजी करेंगे वहाँ जाके। तो अभी हम लोग सब तैयार हो चुके हैं भाई, सब तैयार बैठे थे, मेरा वेट कर रहे थे क्योंकि मैं व्लॉग एडिट कर रहा था, तो मैं भी तैयार हो चुका हूँ। तो अभी हम निकलने वाली कर रहे हैं, तो हमें अभी जाना है क्लिफ्टन, सही है ना। तो अभी हमारे को 1.5 घंटे का रास्ता है, हमको मैप दिखा रहा है, वो आंटी बोली 1.5 घंटे में पहुँचोगे, लेकिन आपका भाई है ना हनुमान गेट लगाएगा, 20 मिनट पहुँचा देगा, टेंशन नहीं लो। तो बस निकलने नहीं करते, मैंने अभी चपेटे आनी है अंदर से कि जल्दी कर, तो निकलते सी है। तो आओ चलो भाई, फाइनली हम अपनी पोजीशन पे आ गए। ऋषा पर नो डाउट तो आज अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है माशाल्लाह, ठंडी लग रही है। तो आप पूरे कपड़े पहनोगे तो ठंडी नहीं लगेगी, जैसे मैं पूरे कपड़े पहन के आया। तो भाई फाइनली पोजीशन पे आ चुके, पोजीशन नहीं लोकेशन, जिस लोकेशन पे हमें आना था। अब चलते हैं अंदर, देखते क्या शुगर मिला है। फाइनली मेरा पापा तो यहाँ साइड पे बैठ चुके हैं, ये बाबा फोन लेने आ रही है, पिक्चर सेशन करने है यार, मैं व्लॉग बना तेरी पिक्चर ले हुए। अच्छा चलो सही, मैं बता दूँ, तो अभी लोग आके बैठ चुके हैं वहाँ से, हम अपना शुगर मेरा लगाए हुए, मेरा पापा यहाँ बैठे हुए, कोई केक वेक नहीं कटा, मेरा पापा यहाँ बैठे बैठे बातें कर रहे हैं, मम्मा पापा मम्मा और ऋषा पर बातें कर रहे हैं। अब तक इंतजार है कि जल्दी केक कट जाए ताकि हम खाना वाना खा के स्टार्ट हो जाए यहाँ से, क्योंकि हम लोग को उसके बाद और बर्थडेज में भी जाना है आज, ये पहली अभी 3 और बर्थडेज है बाकी है भाई, फुल आज पूरा दिन बर्थडे डे, सारे बच्चे आज ही पैदा हुए। भाई फाइनली आखिरी मम्मा मेरे साथ बैठे हुए हैं, पापा बैठे हुए हैं, यहाँ पर हमारा खाना आ चुका है, इसको खाना खाते क्योंकि बहुत भूख लग रही है मेरे को, क्योंकि भाई ने तो खा लिया लेकिन ये मेरी मम्मा अभी तक खा रही है। मम्मा कितना खाओ? अभी तो शुरू किया है। अच्छा ऐसी बात है, इसलिए पापा पूरी कढ़ाई चट कर गए भाई माशाल्लाह, पर आपके भाई ने थोड़ा सा लिमिट में खाया, लेकिन आपके भाई को भाई गिर गई, इधर आओ गिर गई, आपके भाई को ना स्टिंग मिल गई, मज़ा आ गया भाई पी के, दिल गार्डन गार्डन हो गया। तो अभी इधर इंतज़ार है, तो निकलने का यहाँ से थोड़ी देर में निकलेंगे, घर जाएंगे और रेस्ट वेस्ट करके शाम में एक और बर्थडे में जाना है। ये देखो बड़े कपड़े होने का ये फ़ायदा होता है। ऋषा सीधी तरह बैठ, ये पूरे कपड़े उड़ के सो गई है, सही तरह बैठ बैठ। इसको देखो ये छोटी बच्चे नहीं, बड़ी नहीं होगी, देखो ये उसकी हरकत है, देखो ऋषा सीधी तरह बैठ। A few moments later. भाई अभी हम नानी घर पे आए हुए थे क्योंकि मम्मा और पापा को यहाँ ड्रॉप किया हम लोग ने, क्योंकि मम्मा पापा यहाँ से रात में बर्थडे में जाएंगे, और ऋषा को चेंज करने कपड़े की हालत देखो, ये इतने बड़े कपड़े पहनते क्यों, संभाले नहीं जाते। तो चलो अभी मैं हम निकल रहे अब अपने घर के लिए, क्योंकि इसको कपड़े चेंज करने, सही है ना, तो उसको हम कपड़े चेंज कराएंगे इंशाल्लाह। रात में ना संदीप भाई की बर्थडे, और यहाँ पर हम रात में करने वाले फायरवर्क्स 12 बजे। तो मामू सब फायरवर्क्स वगैरह सब लेके आए, मैं रात में इंशाल्लाह 10 बजे तक इधर पहुंच जाऊंगा, तो फारिक वारिक होके मैं फिर इधर आऊँगा रात में और फायरवर्क्स एंजॉय करेंगे। तो इंशाल्लाह मैं आपको मिलता हूँ डायरेक्ट रात वाली बर्थडे पे, सी ना, तो थोड़ा सा रेस्ट वेस्ट करके कपड़े वपड़े चेंज करके मिलता हूँ रात में बर्थडे पे। ओके 5 hours later. अभी तक आप लोगों को पता चल जाना चाहिए कि मुझे यूं करके फोन यूज करने नहीं आता, तो मैं इस तरह बात करूंगी, बोलूंगी वो मुझे लेगा और वो मुझे ड्रॉप करेगा और वो भी साथ चलेगा, मम्मा पापा और बाकी पूरा फैमिली उधर पहले से ही मौजूद है, तो चलते हैं और हरीश को लेते हैं। हरीश को पता भी नहीं मैं उसके फोन से ब्लॉग बना रही हूँ, वो मुझे फोन हाथ नहीं लगाने देता है क्योंकि मैं चीजें बहुत गिराती हूँ, बहुत, जैसे कि मैंने अभी ताला उठाया था लगाने के लिए और मैं रख के गिरा के इसको कहीं भूल गई, फिर मुझे 2 मिनट लगी इसको ढूंढने में, ये सब क्या देखना पड़ रहा है। तो अभी हम लोग तीसरी बर्थडे पे बर्थडे की तैयारी पे आ चुके हैं, उन्होंने केक का ऑर्डर दिया था कस्टमाइज केक का, तो वही हम लोग बस उस जगह पे आ चुके जहाँ से हमको कलेक्ट करना है केक, तो केक कलेक्ट करके हमको डायरेक्ट जाने नानी घर,
फिर वहाँ पर ऊपर जाके केक काटने और फायर वर्क करने से बस केक कलेक्ट करके निकलने। भाई देखो ये अरीशा सामने केक रिसीव हो गया। चलो पागल, अरीशा ने केक रिसीव कर लिया। जल्दी से बैठो, जल्दी से दिखाओ। ओए ओए ओए, अंदर कुछ है। ये थीम हमने इसलिए रखा है क्योंकि इससे हम चीयर्स करते हैं, तो हम उनकी 50th बर्थडे को लाइक इस तरह कह रहे हैं कि चीयर्स टू योर 50th बर्थडे। ओके, तो इट्स अ मेटाफोरिकल केक। ओके, वो वही इतनी इंग्लिश घर से याद करके आई थी ना। हाँ, घर से याद करके आई थी ना, यहाँ लिखी हुई है। ओके, फटे शरे बनाए। तो चलो बहरहाल अभी हम निकलते हैं नानी घर की तरफ फौरन, तो वहीं जाके मिलूंगा मैं आप लोगों को। बड़ा डर लग रहा है। हाँ संभाल के भाई, तो अभी मेरे को ड्राइव भी करना है स्लो स्लो, तो अभी आप लोगों को मैं वहीं जाके मिलता हूँ डायरेक्ट। हैप्पी बर्थडे। देखो भाई, ये ना हमारे यहाँ रिवाज है, बड़े भाई अपनी बर्थडे वाले दिन अपनी बहन को गिफ्ट देते हैं। हाँ देते हैं ना। हाँ दुआ दिए ना, सबसे बड़ी चीज है सुखी ने आबाद रहे। फिजिकल फिजिकल गिफ्ट देते हैं, फिजिकल गिफ्ट देते हैं ना। अभी हमको तो, मेरे को तो पागल बनाया हुआ है, शाम से बहुत चक्कर ले लिया। हाँ हाँ, हमारे भाई जान ने भी किया है जो कि मेरे मामू हैं, इनको मैं प्यार से भाई जान कहती हूँ, पता नहीं क्यों। केक कैसा लगा आपको? बहुत जबरदस्त है, बाकी बचे क्या है? जग भी बनाया है, बियर है। चीयर्स टू योर 50th बर्थडे। देयर यू गो, चीयर्स। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। अंदर तक नहीं जा रहा ना, बड़े वाले ही चाहिए ना। तो यार आपका भाई फाइनली घर पे आ चुका है। थक गया यार, बहुत थक गया। सुबह से चार बर्थडे यार। खैर मैंने तो दो अटेंड की, दो बम्मा लोग गए थे क्योंकि मैं कुछ और काम में गए थे, वो उससे ज़्यादा हेक्टिक था। घर पे आके सुकून मिल रहा है लिटरली। तो बस आप लोग से इजाज़त मांगता हूँ कि भाई इस व्लॉग को यहीं एंड करते। अभी आप लोग मुझे बताओ कि मैं कुछ चैलेंज वीडियोज़ लाऊँ, कुछ भी लाऊँ, कुछ भी, कोई इनोवेशन आप चाहते हो कि इसका व्लॉग बनाओ, या इस जगह जाओ उधर का व्लॉग बनाओ, या चैलेंज कोई किसी तरह की वीडियो, तो मुझे बताओ, वो हम करेंगे। इसे डन हो गया, तो इस व्लॉग को भी यहीं एंड करते हैं। तो भाई लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर जल्दी जल्दी, सही ना। तो फिर अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।